बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि तालिबे इल्मों आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने मुताला किया था, हम का क्या पढ़ी थी हमने कल बच्चों? हमने पढ़ी थी कल हम, ये आपकी दरसी किताब है कुंज, उसमें से हमने पढ़ा था, हम पढ़ी थी, सही। ये देखिए, ये है हमारी हम, सही। आज मिस जो है उनसे मिस पढ़वाएंगी। आवाज सबको क्लियर आ रही है? आरस बेटा, वो सॉरी जाफर, सबको आवाज सही आ रही है बेटा? आपको क्यों नहीं आ रही? अपना माइक चेक कीजिए, माइक चेक कीजिए अपना। जारा को भी सही आ गई है, मरियम को भी, अनाया को भी, सबको सही आ गई है बेटा। करवाऊं करवाऊं, चलिए मैं स्टार्ट करिए अपनी क्लास। जो बच्चे रह गए थे उनके आज मैं मुताला करवाएंगी, उस और आज आपको ये समझाएंगी। क्या समझाएंगी? आज आपको नज़म समझाएंगी मिस, ये वाली, ठीक है। यस मरियम, क्या कहना चाह रही हैं आप? मिस, जी हाँ मैंने पढ़ ली थी वेरी निजम। गुड, जबरदस्त, शाबाश। ओके, आज मैं शुरू करेंगी। जारा, जारा आप रह गई थी, कंजा आप हो गई थी, कंजा आपने रीड कर ली थी बेटा। कुछ कहना चाह रही हैं आप? बोलिए, शाबाश। जल्दी से मिस, बिल्कुल, आपने ये समझाया था ना कल के जो टू यूज होता है वो अल्लाह के लिए यूज हो रहा है। इस नजम में शायद तू जो है वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह को मुखातिब कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा, यहाँ पर अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए तू और तेरा भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड कंजा, चले जारा स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग जारा, स्टार्ट शाबाश। रीडिंग। ए जमी आसमान के मालिक, आसमान के मालिक, सारी दुनिया जान के मालिक, तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहाँ है वो, सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बदले काम, तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ कि मैं है तू, तेरा हर एक जबान पर है, तेरा करता हमेशा घर घर, समाया दिलों के अंदर है, चार हम तू है। पांचवा है तू, जबरदस्त, वेरी गुड जारा, एक्सीलेंट। बहुत रवानी से पढ़ा आपने, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। इसके शायर कौन है? इस्माइल मीठी, ठीक है। देखिए ये आखिरी वाला देखिए शेर, चार हम हैं तो पांचवा है तू, सही है। वेल डन जारा, जबरदस्त। अच्छा देखिए, अगर जब हम नज़म या अशार पढ़ते हैं तो उसको जो अदा करते हैं, उसको जो पढ़ते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ठहर ठहर के हमने पढ़ना है, और एक पहले वाले जो हमारा मिसरा है उसको दो दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। अच्छे अंदाज से हमें अशार पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने रीच किया है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, अपनी कोशिश जारी रखिए बेटा, ज़बरदस्त। चलिए अब आ जाइए किसान, उसके बाद आरस, आपकी टर्न है बेटा। आरस बेटा, सबको आ रही है सवाय आपके, अपना माइक चेक कीजिए बेटा। मिस चलें स्टार्ट होइए, पढ़िए बेटा, शाबाश। स्क्रीन क्लियर आ रही है आपको? मिस लार्ज कर दें आपके लिए, सही, मिस, नहीं मिस सही है। शाबाश, पढ़िए। ये ए जमी आसमां के मालिक, ए, ए
ए जमीन आसमान के बाले सारी दुनिया जहां के मालिक जहां के मालिक शाबाश तन बदन और जान के मालिक तन बदन जान के मालिक और मैं नहीं जानता कहाँ है तू मैं नहीं जानता कहाँ है तू शाबाश रोज शाबाश सुनता हूँ रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम है सब नहीं तू बनाता है सबके बिगड़े काम शाबाश दाल का दर देखिए तू ही देता है रात दिन आराम तू ही देता है रात दिन आराम जानता हाँ जानता हूँ वेरी गुड जानता हूँ मेहरबान है तू जानता हूँ मेहरबान है तू शाबाश जिक्र तेरा कर बच्चा ये लिखा हुआ है कर जिक्र तेरा होता हर एक जबां पर है घर घर यस तेरा चर्चा हमेशा घर घर है घर घर है हाँ तू बोल समाया तू समाया दिलों के अंदर है तू समाया दिलों के अंदर है चांद चार हम हैं चार हम हैं तू तो पांचवा है तू पांचवा है तू शाबाश बहुत अच्छी कोशिश है अब ये दोबारा आप प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे ठीक है ओके जाफर बेटा आप वेट कीजिए आपकी टर्न भी आएगी जाफर और किसने हाथ उठाए जाफर पढ़ेंगे आप वेट कीजिए जाफर आरएस अब आपकी टर्न है उसके बाद अनाया आपकी टर्न होगी यस बेटा शाबाश तन बदन और जान के माले तन बदन और जान के माले मैं नहीं जानता कहाँ मैं नहीं जानता कहाँ है वेरी गुड सबसे तेरा नाम जानता हूँ के मेहरबान है तू मरियम वेट कीजिएगा बेटा शाबाश ओके आरएस वेल डन बहुत अच्छी ट्राई है आपकी जबरदस्त ओके अनाया स्टार्ट बस आपको अनम्यूट करिए अनाया मिस आई कांट हियर यू स्टार्ट रीडिंग ए जमीन आसमान के मालिक शाबाश सारी दुनिया जहान के मालिक वेरी गुड तन बदन और जहान के मालिक जान के मालिक जान के मालिक मैं नहीं जानता कहाँ
कहाँ है तू? वेल डन। रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बता तू बनाता है सब के बिगड़े काम। शाबाश। तू तू है जाफर, वेट कीजिएगा बेटा। तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ के मेहरबान है तू। वेल डन। जिक्र तेरा हर एक जबान पर है, तेरा चर्चा चर्चा हमेशा घर घर है, घर घर है। तू यार, मिस आई कांट हियर यू। जी जी पढ़िए, मैं सुन रही हूँ आपको बेटा। मिस आई मिस पढ़ लिया। तू समाया दिलों के अंदर है, ये पढ़ लिया आपने जुमला? यस मिस। अच्छा सही है, वेल डन। चार हम हैं तो पांचवा है तू, जबरदस्त, एक्सीलेंट अनाया, वेल डन, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, जबरदस्त। ओके जाफर, इट्स योर टर्न। आपको मुझसे कहा था कि वेट कीजिए। यस जाफर। जमीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जान के मालिक, तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहाँ है तू। वो सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम, तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ कि मेहरबान है तू। जिक्र तेरा हर एक जबान पर है, तेरा चर्चा हमेशा घर घर है, तू समाया दिलों के अंदर है। चार हम तो सकते दोबारा से करने। वेल डन जाफर, बहुत अच्छा। मिस मुझे दोबारा से करना है, मैं कर सकती हूँ दोबारा से? हाँ ओके मरियम, वेट कीजिएगा जरा। जाफर बहुत अच्छा पढ़ा, एक्सीलेंट। आपने तो हम सबके कानों को मजेदार वाली आवाजें सुना दी, क्यों भाई, है ना? इतना साउंड के साथ पढ़ा है आपने कि हम लोग का दिल चाह रहा था कि हम लोग आपको सुनते ही रहें, क्यों भाई जाफर, है ना? मुस्कुराइए जरा, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, जबरदस्त। कंजा तो ऐसी हो गई थी कि अपने हेडफोन्स को तो कस के पकड़ी हुई थी, है ना, कि उड़ ना जाए हेडफोन्स इनके। ओके वेल डन जाफर। ओके मरियम जरा वेट कीजिएगा, मिस जरा देख लें कोई रह तो नहीं गया, वेट कीजिए मरियम, फिर आप पढ़ लीजिएगा दोबारा। चलें स्टार्ट करें मरियम, पढ़ें दोबारा, चलें। ए जमीन आसमान के मालिक, सारे दुनिया जहां के मालिक, तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहां है तू। रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम, तू ही दिन है, तू ही दुनिया से रात दिन आराम, तू ही देता है बेटा, तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ के मेहरबान है तू। जिक्र तेरा हर एक जबां पर है, तेरा चर्चा हमेशा घर घर में है, तू समाया दिलों के अंदर है। चार हम हैं तो पांचवा है तू। वेल डन, एक्सीलेंट, जबरदस्त। कभी अब आप पढ़िए, उसके बाद मैं आज इस हम को समझाएंगी फिर, ठीक है? ओके स्टार्ट रीडिंग कबीर। वेल डन, एक्सीलेंट मरियम। मेरे स्क्रीन ज़ूम इन कर रहा हूँ, करिए जल्दी से। क्या मिस? स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग बेटा।
मेरा की आवाज नहीं आ रही, अगर आप मुझे सुन सकती ना आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही, पूरा वॉल्यूम ऊपर कर दिया है। अच्छा बेटा अब आवाज आ रही है आपको? यस मिस। हाँ बेटा स्टार्ट रीडिंग, शाबाश। ए जमी आसमान के मालिक, ए जमीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, पढ़िए आगे, तन बदन और जान के मालिक, तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहाँ है तू, कहाँ है तू। शाबाश। एक मिनट जरूर रुकिए, जाफर कुछ कहना है आपको बेटा? जाफर आप कुछ कहना चाह रहे? अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा जाफर। रोज सुनता हूँ, कबीर पढ़िए। रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, सबसे तेरा नाम। इस लाइन नहीं मिल रही, सबसे तेरा नाम। तू बनाता है सबके बिगड़े काम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम, तू ही देता है रात दिन, तू ही देता है रात दिन आराम, आराम। जानता हूँ कि मेहरबान है तू, जानता हूँ कि मेहरबान है तू। ओके कबीर, तू ओके कबीर, वेल डन। आप कोशिश कीजिए, आप बार बार कोशिश कीजिएगा, आपको आ जाएगा मुताला करना, रीडिंग करना। अच्छा सॉरी लाइन नहीं मिल रही। ओके कबीर इज डन बेटा, मैं समझा रही है नजम को, ठीक है हम्द को। यस टीचर मैं कह रहा हूँ, जब आप टीचर हैंड मिली टीचर करीब कर दिए तब आपकी आवाज आती है, वरना नहीं आती टीचर आपकी आवाज। अच्छा बेटा सही, अच्छा बेटा ठीक है, चले हम इसने हैंड फ्री करीब ही कर लिए अपने। ओके ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं हम्द। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम्द पढ़ रहे हैं। यस कबीर क्या कहना है आपको? मिस जाफर की आवाज इतनी तेज होती है मेरे कानों में दर्द होता है, मिस जाफर से कह दीजिए थोड़ा सा हल्का बोला करें। अच्छा ठीक है मिस कह देंगी। देखिए पहले वाले जुमले में क्या शायर क्या बता रहे हैं, हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने को कहते हैं। सही है बेटा, पहला है ए जमी आसमां के मालिक। यहाँ शायर ए से किसको खिताब कर रहे हैं? अल्लाह को, माबूद को, परवरदिगार को, बनाने वाले को। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। तो शायर यहाँ पे किसको मुखातिब कर रहे हैं? ए मतलब किसे? अल्लाह। हम कहते हैं ना ए परवरदिगार, ए मेरे मालिक, या अल्लाह, अल्लाह को मुखातिब करते हैं। तो शायर यहाँ पे हम्द में ए से किसको मुखातिब कर रहे हैं? अलिम मद आ बढ़िए, ये बढ़िए बढ़िए है ना, ए अलिम मद आनी सॉरी अलि अलिफ जबर आ बढ़िए ए जमी आसमान के मालिक, मतलब के अल्लाह तुम जमीन और आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक मतलब के पूरी कायनात जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है उसके मालिक, बनाने वाला। मालिक कौन होता है? मालिक उसके किसे कहते हैं बेटा? मालिक उसे कहते हैं अगर कोई किसी चीज, जिसने चीज बनाई हो या खरीदी हो या उसके पास हो तो वो उसका मालिक होता है। तो हमें हमें पूरी दुनिया की सारी चीजों को किसने बनाया, किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने, तो वो मालिक हुआ ना उसका। तो शायर क्या कह रहे हैं? ए जमीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, मुखातिब कर रहे हैं अल्लाह को, तन बदन और जान के मालिक। तन बदन क्या होता है? हमारा जिस्म, तन बदन हमारी रूह, और जान के मालिक मतलब हमारी जिंदगी और मौत, हमारी जिंदगी के मालिक कौन है? अल्लाह है। मैं नहीं जानता कहाँ है तू। यहाँ शायरी कह रहे हैं
कि मैं नहीं जानता कहाँ है तू, इससे क्या मुराद है शायर की कि अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तू जाहिर भी है, तू बातिन भी है, तू नजर भी आता है, तू नजर नहीं भी आता है। अगर तेरी हर चीज जो तूने तख्लीक की है अगर हम उसको देखें तो तेरा अक्स उस पे नजर आता है, तेरी कारीगरी नजर आती है, और वैसे तू नजर नहीं भी आता है। मैं नहीं जानता कि कहाँ है तू, तू हर जगह मौजूद है। सही। शायर ने पहले बंद में शुरू के चार लाइनों में अल्लाह ताला को मुखातिब किया है कि वो सारे जहान और जमीन का मालिक है, और मैं नहीं जानता कि कहाँ है तू, तू हर जगह मौजूद है। सही। रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम। सबसे तेरा नाम क्या मतलब है? रोज सुनता मतलब कि उठ के रोजाना अल्लाह का नाम सुनता हूँ, अजान के जरिए, कुरान के कलाम के जरिए, दुआओं में, लोगों के जिक्र में, अपने जिक्र में, सबसे रोजाना तेरा नाम सुनता हूँ। ठीक है। तू बनाता है सबके बिगड़े काम। तू, यहाँ पे शायर ने तू किसे कहा है? अल्लाह को, रब को, परवरदिगार को, पैदा करने वाले को। ठीक है। तू बनाता है सबके बिगड़े काम। अगर हमारे काम कोई खराब हो जाता है तो उस काम को कौन सही करता है? अल्लाह ताला। अगर हम बीमार हो जाते हैं, है ना, तो हमें कौन सेहतियाब करता है? अल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से हमें सब कुछ मिलता है ना, हमें डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टर की दवाई मिलती है, ये सब कुछ मिलता है, अल्लाह के हुक्म से मिलता है ना। अगर हमसे कोई काम गलत हो जाता है, कोई बिगड़ जाता है, तो उस काम को कौन सही करवाता है अपने हुक्म से? अल्लाह ताला। कबीर, आपको पता है कि मिस क्या समझा रही है? अल्लाह का कलाम समझा रही है ना। और जहां जिस महफिल में, जिस क्लास में, जहां भी अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, अल्लाह के फरिश्ते भी वहां हाजिर होते हैं। पता है आपको, जिस महफिल में, जिस जमात में जिक्र खुदा हो रहा होता है ना, वहां अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि जाओ मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, उनके अमाल में, उनकी नियुक्तियों में इजाफा करो जाके। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अदब से बैठें, बात सुने, हम तवज्जो दें हर चीज को। लेकिन जब हम तालीम हासिल करते हैं ना, ये भी एक इबादत है। पता है बच्चों आपको, है ना, हम पढ़ लिख रहे हैं, ये भी हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, क्यों, है ना शाफर, है ना बेटा। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए हमें तमीज भी सीखना होती है, है ना। सुकून से, तसल्ली से बैठ के अगर अल्लाह का कलाम हो रहा है, कोई अच्छी बात सुनाई जा रही है, जिक्र हो रहा है, तो उसको अदब और एहतराम से सुनना चाहिए और आगे उसको बढ़ाना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। ठीक है। सही। माशाल्लाह सब बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। और उम्मीद है कि जो जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं बैठना चाह रहे हो, वो भी अच्छे तरीके से बैठेंगे आइंदा। सही है। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं शायर इसमें? हमारे क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मिस बस आज यहीं तक समझाएंगी कि शायर कह रहे हैं, इस्माइल मीठी, तू बनाता है सबके बिगड़े काम, तू कौन है? अल्लाह ताला। हमारे काम जो बिगड़ जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, इनको किसके हुक्म से सवरते हैं? वो अल्लाह के हुक्म से सवरते हैं। सही है। ठीक है। तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ कि मेहरबान है तू। अल्लाह के हुक्म से रात आती है, दिन आता है, काम रात को आराम करते हैं, दिन को हम काम करते हैं, और अल्लाह ताला क्या है, मेहरबान है कि उसने हम पे मेहरबानी की, हम पे एहसान किया है। ठीक है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, इंशाल्लाह ताला कल इसका पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ा सा काम करवाएंगे रफ कॉपी में। आपके पास कोई भी आपकी रफ कॉपी, ट्यूशन कॉपी कुछ भी हो, अपने साथ लेकर बैठिएगा। कल हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम आवाज अल्फाज क्या करेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे कल हम लोग इसका? हम आवाज अल्फाज राइमिंग वर्ड्स करेंगे और मिस जुमले बनवाएंगे आप लोग। फेयर काम नहीं करना है, ये ऐसी प्रैक्टिस वर्क है आपका। ठीक है जी। क्या कह रही है बेटा कंजा? जी कंजा बेटा, मिस क्लास में क्या सिर्फ दो बच्चे? मैं नहीं, और सभी का नहीं, और बच्चे भी हैं। ठीक है, चलें क्लास एंड हो गई है, उन्होंने वीडियो ऑफ की है।
हाँ सबने वीडियो ऑफ कर दिए, चलें ओके लाफे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाफे।